एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि थर्सडे को हमने डिनर में क्या बनाया। बेसिकली थर्सडे को हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ वेज ही बनेगा। बट ये भी रहता है कि हम जनरली डिनर में बहुत कम खाते हैं, सलाद या चिकन ऐसे कुछ खा लेते हैं। बट आज हमने थोड़ा सा लंच लेट किया था और लाइट किया था, तो इसीलिए डिनर थोड़ा सा हैवी कर रहे। तो यहाँ पे मैंने एक कप मूंग और मसूर दाल का मिक्सचर भिगो के रख दिया है करीब 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल पानी में, और इसको मैं प्रेशर कुकर में कुक करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे बाजरे का रोटी बनाने के लिए आधा कप बाजरा और उसका 3 गुना नॉर्मल आटा, लाइक बाजरे का आटा आधा कप और 3 गुना नॉर्मल गेहूँ का आटा परात में ले लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और पानी के मदद से नॉर्मल आटा जैसे गूंथते हैं वैसा एक डो बना के 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। दाल बनाने के लिए छोटा सा प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और उस पर 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, 2 लाल मिर्च डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच 5 फोड़न जिसे कहते हैं वो डाल दिया है। थोड़ी देर इन सबको हम भून लेंगे और उसके बाद जो हमने दाल भिगो के रखा हुआ था वो डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा दाल का रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत डिलीशियस बनता है। बिल्कुल भी कोई भी लाइक और प्याज लहसुन को छौंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत यम्मी बनता है और बाजरे के रोटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। इस पर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसको मीडियम आंच पे 2 से 3 सीटी तक पकाएंगे, इसी में दाल बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। अब मैं बना लूँगी यहाँ पे रोटियाँ। नॉर्मल बाजरे, सिर्फ अगर हम बाजरे का आटा का रोटी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बनाने में, फट सा जाता है। बट यहाँ पे हमने गेहूं का आटा मिक्स करा हुआ है, इसीलिए बहुत ही आसानी से रोटियाँ बिल के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, गोल गोल रोटियाँ बन रहे हैं। और अब हम इसको तवे पर सेंक लेंगे, फिर आग में डाल के, जैसे गैस में, गैस के चूल्हे के जो आग होता है उसमें हम डाल के अच्छे तरीके से सेक लेंगे। दाल हमारा बन चुका है, हम चेक कर लेंगे दाल किस पोजीशन में है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल पक गया है, अच्छे तरीके से गल चुका है, कंसिस्टेंसी भी बहुत सही है। थोड़ा सा गाढ़ा ही हम दाल को लेते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो अब हम खाना परोस देते हैं। हम दाल लेंगे और घर का बनाया हुआ दही यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। रात का खाना सिंपल हो तो ही बहुत अच्छी बात है, और दाल रोटी, स्पेशली बाजरे की रोटी के साथ दाल तो हमारे घर में सबका बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पर ये मेरा घर पर जमाया हुआ दही है, दाल के साथ हम ये भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा थर्सडे का डिनर। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। बाय।